हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज हम देखेंगे जो हमने पहले देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करती है और उसके बेनिफिट क्या है। तो लेकिन उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर है तो उसमें एक चांसेस भी रहता है फेलियर के, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फेलियर मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो पहला क्या है कि वो कैसे काम कर सकता है करता है तो पहला क्या है कि टारगेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, राइट। तो उसमें क्या करेंगे पहले कि जो भी है आप जो भी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, तो उसमें क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन है, फॉल्ट डायग्नोसिस है, एविडेंस जनरेशन, राइट। तो उसमें क्या करते हो कि आप पहले ऑब्जर्वेशन करते हो कोई भी कि कहाँ से फॉल्ट डिटेक्ट हो सकता है। तो उसमें क्या है कि कुछ भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है, मीन सपोज आपके स्क्रीन है, राइट, आप यूज़ कर रहे हो वेब पे, अभी धीरे से वो सपोज कोई जो सोर्स है सर्वर वहाँ से पेज निकाल दिया जाए तो वो क्या आएगा कि वहाँ से कुछ बंद हो गया, मीन्स वहाँ से पेज नॉट फाउंड, मीन्स वहाँ से डिलीट कर दिया, राइट। सेकंड थिंग है कि आप वहाँ से कनेक्शन बंद हो गया सर्वर का तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो वो भी एक फॉल्ट डिटेक्शन वो आता है। तो उसके बाद क्या ऑप्शन आता है कि फॉल्ट डायग्नोसिस, तो वो क्या करता है, एक्सपोज सिस्टम स्टेट, मीन्स अगर आपको कोई चेंज करना है सिस्टम स्टेट तो भी वो कर सकता है, क्योंकि वो सर्वर है उसके जो इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया, अगर उसके पास दूसरा अल्टरनेटिव सर्वर पे है जो कोई सर्वर, तो इजीली वो दे सकता है और वो जो है उसका लॉक करता है, राइट। और जो लास्ट है एविडेंस ऑफ जनरेशन, मीन्स वो लॉग यहाँ पे जनरेट होगा कि वो कौन से प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आया था तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये काम करता है फेलियर मैनेजमेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे काम करता है इन डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए जो फॉल्ट मैनेजमेंट है, मीन्स फेलियर मैनेजमेंट, उसमें तीन हमने देखे कि फॉल्ट डिटेक्शन, फॉल्ट डायग्नोसिस एंड एविडेंस जनरेशन। तो उसमें क्या होता है बेसिकली फॉल्ट डिटेक्शन में, तो इनवेरिएंट चेकिंग, मीन्स अलग अलग तरह से आपको चेकिंग करना होता है, रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स आप कोई भी जगह के अलग अलग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, फिर मॉडल चेकिंग, आप मॉडल चेक कर सकते हो कि ये कौन से मॉडल पे वर्क कर रहा है। सेकेंड है फॉल्ट डायग्नोसिस, उसको कैसे कर सकते हो, लॉग बेस्ड कैजुअली एनालिसिस। तो वो क्या करता है कि सपोज़ पहली बार आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आया था तो दूसरी बार भी आप वहाँ से एनालिसिस कर सकते हो कि कब आया था, कैसे आया था, तो उसका भी लॉग बनता है यहाँ पे फॉल्ट डायग्नोसिस पे। फिर क्या है, डायग्नोसिस डिटर्मिनिस्टिक रिप्लाई, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको अच्छी तरह से आपको वहाँ पर रिप्लाई करना है। फिर स्ट्रेटिकली इन्फ्रेंस, मीन्स कोई भी वैल्यू है, सपोज़ आपने वेबसाइट में कुछ अलग अलग स्टेटिस्टिकल ना डाले हुए, लेकिन जब भी यूज़र के पास जाते हैं, मीन्स इन बिटवीन कोई भी आपको बीच में से कोई डेटा चेंज करता है तो वो आपको ख्याल रखना है यहाँ पे। और लास्ट में है सिस्टम डीबगिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, मीन्स आपको जो बेस ऑन दी जो ये फॉल्ट डायग्नोसिस है, जो मेथड है वहाँ पे डायग्नोसिस करने के, तो उसकी तरह से आपको कंटिन्यूसली सिस्टम को डीबगिंग, मीन्स चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी आ रही है कि नहीं है, अगर आ रही है तो वो कैसे आ रही है, तो उसका अकाउंट भी करना पड़ेगा कि सपोज़ ये हो रहा है तो कैसे करें हम। तो ये है पूरा फेलियर मैनेजमेंट है, तो उसको आप यूज़ करके यहाँ पे रोक सकते हो फेलियर को। तो इस वीडियो में आपने देखा कि जो भी फेलियर है, पॉसिबल फेलियर इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, तो वो कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने ब्लॉग भी रेडी किया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू।